क्वेश्चन है, वाई आर सम पेशेंट ऑफ डायबिटीज ट्रीटेड बाई गिविंग इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन। तो कुछ पेशेंट्स को इंसुलिन दे करके ट्रीट किया जाता है जब उनको डायबिटीज होती है। डायबिटीज का मतलब है हाई ब्लड शुगर, है ना। ब्लड में शुगर की मात्रा अगर ज्यादा हो जाती है तो उनको इंसुलिन दिया जाता है। अब इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन है। इंसुलिन हार्मोन है। वैसे तो ये हार्मोन जो है ये पेनक्रियाज में बनता है, हमारी बॉडी के अंदर पेनक्रिया में बनता है। बट कुछ लोगों में क्या होता है कि ये इंसुलिन बनना कम हो जाता है। इंसुलिन बनना जब कम हो जाता है तो ब्लड के अंदर शुगर लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। और ब्लड के अंदर अगर ब्लड में शुगर लेवल्स बढ़ता है तो उसके बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स जो है हमारी बॉडी पर होते हैं। जैसे दिखने में धुंधलापन आ जाता है, और जो है ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, और भी कई सारे जो सिम्टम हैं इसके होते हैं। ठीक है, नींद डिस्टर्ब हो जाती है, थकान बहुत रहती है, शरीर टूटने लगता है, वेट बहुत तेजी से घट सकता है। तो इसके बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, वो एक अलग बात है। अब हमें पता है इंसुलिन किसको दिया जा रहा है? इंसुलिन दिया जा रहा है उनको जो डायबिटीज के पेशेंट हैं, डायबिटीज यानी हाई ब्लड शुगर के पेशेंट हैं, उनको ट्रीट करने के लिए कुछ इंजेक्शन दिए जाते हैं। ठीक है, जो उनको हाई लेवल की जो है वो डायबिटीज होती है उन्हें इंसुलिन का इंजेक्शन लगवाना पड़ता है, और कुछ पेशेंट्स को तो ये डेली लगवाना पड़ता है। अभी जो प्रक्रिया है उसमें रोज उनको इंसुलिन लेना पड़ता है जिनको बहुत ज्यादा हाई लेवल ऑफ ब्लड शुगर होती है। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन मैंने अभी बताया हार्मोन है बच्चों। ये हार्मोन कहाँ प्रोड्यूस होता है? विच इज प्रोड्यूस बाई पेनक्रिया। तो पेनक्रिया में प्रोड्यूस होता है, और इसका काम ही होता है ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करना। अब ब्लड शुगर लेवल को ये कंट्रोल करता है, जो हम खाना खाते हैं इन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो जब हम ग्लूकोज की फॉर्म में जो है फूड लेते हैं, या कोई भी जो आइटम्स हम खाते हैं, तो उनसे हमारे ब्लड के अंदर शुगर लेवल्स बढ़ते हैं। तो तभी क्या होता है कि पेनक्रिया से इंसुलिन सिक्रेट होता है। तो पेनक्रिया से इंसुलिन सिक्रेट होता है, तो उस ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर लेता है। अब अगर ये प्रॉपर अमाउंट में नहीं बनता, अगर इंसुलिन हमारे बॉडी के अंदर एक प्रॉपर अमाउंट में बनना बंद हो जाए, या कम बने या नहीं बने, इफ इट इज नॉट सिक्रेटेड इन प्रॉपर अमाउंट देन द शुगर लेवल इन द ब्लड राइज, और हमारे ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल है वो बढ़ जाता है, जिसके कई सारे हार्मफुल इफेक्ट बॉडी पर पड़ते हैं। ठीक है, तो कुछ लोगों को इंसुलिन फिर बाहर से लेना पड़ता है, जिनमें प्रॉपरली नहीं बनता उनको इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है। तो ये जो क्वेश्चन था, व्हाई आर सम पेशेंट ऑफ डायबिटीज ट्रीटेड बाय गिविंग इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन, क्यों देना पड़ रहा है? क्योंकि उनके बॉडी के अंदर पेनक्रियाज के द्वारा इंसुलिन हार्मोन कम बन रहा है, इसलिए देना पड़ रहा है, ताकि उनका ब्लड का जो शुगर लेवल है उसको कंट्रोल रखा जा सके। क्लियर है?